हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। गाइस, इसके पहले कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 1-2 रिपोर्ट जल्दी से देख लीजिए, खुद को इवेल्युएट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। गाइस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम की, चाहे मार्च के लिए और चाहे कि अप्रैल के लिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 21 क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को देखिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उन 5 सेकंड में खुद को क्वेश्चन को इवैल्यूएट करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। गाइस, आपको हमारे चैनल पे सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी ओवरऑल सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसके भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था? When was DigiLocker launched? Options are July 2016, July 2015, July 2017 or June 2018. Your time will be starts now. Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, या July 2015। DigiLocker कब लॉन्च किया गया था? July 2015। Okay. तो डिजी लॉकर के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इसमें क्या है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, आप इसको इस डिजी लॉकर में रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शंस आर 14, 16, 10 और 12। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, व्हिच इज 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का मतलब क्या हुआ, जब भी आप ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, उसमें फॉन्ट साइज जो रहेगा वो क्या होता है, 10 ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गाइस, यहां पे जो भी हम क्वेश्चंस लेके आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आते हैं कि आप उन सारे क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करें और अप्रोक्सीमेटली वैसी टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आए। क्वेश्चन नंबर 3, NUUP का पूरा नाम क्या होगा? What will be the full form of NUUP? Options are National Unified USSD Platform, National Unstructured USSD Platform, National Unstructured USSD Provider or NUP. Your time will start now. Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्या National Unified USSD Platform, ये क्या है NUUP का फुल फॉर्म। गाइस, रिपीटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है, तो क्वेश्चंस को ऐसा आप क्वेश्चन को देखो भाई, यहीं पे मैं चाहती हूँ मेरे क्लास में ही आपको सारे क्वेश्चंस रटे जाएं। दोबारा कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसका करेक्ट आपको आंसर पता हो, क्या है इसका आंसर, NUUP का फुल फॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल? ऑप्शंस आर फेडोरा, उबंटू टच, मिंट और नन ऑफ दिस। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या उबंटू टच। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है? तो गाइस, ये जो आपका उबंटू टच है वो आपका मोबाइल के लिए ही बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रिंटर की स्पीड किसमें मापते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्पीड ऑफ द प्रिंटर? ऑप्शंस आर सीपीएम, सीपीएम क्या है, कैरेक्टर पर मिनट, एलपीएम, एलपीएम क्या है, लाइन पर मिनट, डीपीआई यानी डॉट पर इंच और ऑल ऑफ द अबव। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके
गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कि देखिए गाइस, प्रिंटर की स्पीड को ना हम सीपीएम में भी नाप सकते हैं, एलपीएम में भी नाप सकते हैं और डीपीआई में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका सही होगा, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अब। ठीक है, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डीपीआई यानी डॉट पर इंच लगा देते हैं, बस ये सही नहीं होगा। तीनों में आप इसको सही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वन सेकेंड। हाँ, इज इक्वल टू राउंड ऑफ 175 माइनस 2, फॉर्मूला का मान क्या होगा, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। दिस ऑप्शंस आर 180, 218 और ना, इसको इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगी, इसको काउंट करिए। ओके, गाइस देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ देखिए पहले यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, राउंड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सीलिंग या तो फ्लोर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राउंड। इसमें आपका ऑप्शन, देखिए पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ देखो आप क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस के बाद जो भी डिजिट दी हुई थी, यानी 2 दिया हुआ है, यानी हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग का पहला डिजिट है क्या 175, 175 में से लास्ट के दो डिजिट को हमें जीरो कर देना है, यानी क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब आप कहोगे भाई यानी 100 का, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। पर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है गाइस, इसमें इसके बाद एक और रूल होता है क्या, जिस भी डिजिट को आप जीरो कर रहे हो, यहाँ पे हम 75 को जीरो कर रहे हैं, उसमें का जो पहला डिजिट होता है यानी 7, ये आपका 0 से 4 के बीच में आएगा तब तो सही है भाई, 100 ही आंसर होगा। अगर आपका ये 5 से 9 के बीच में आएगा तो आप क्या करोगे, 1 को एक इंक्रीमेंट कर दोगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200। इस क्वेश्चन को अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे, इसको एक बार थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को प्रीवियस में जाके देखो, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ, देखिए -2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट को, जो स्टार्टिंग की डिजिट दी हुई यानी 175 की, लास्ट दो डिजिट को हमें क्या करना है, जीरो कर देना है, तो क्या हो जाएगा 100। बट जिस डिजिट को हम जीरो कर रहे हैं उसका जो पहला डिजिट है वो अगर 0 से 4 के बीच में होगा तब तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे रहता क्वेश्चन में आंसर 145 तो इसका आंसर होता 100। बट यहाँ पे क्या है, 5 से 9 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, इसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर 200, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग आपको आईटी फर्म में जॉब दिला सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैकिंग कैन यू सॉरी हैकिंग कैन गेट यू अ जॉब इन इट फर्म। ऑप्शंस आर ब्लैक हैट हैकिंग, एथिकल हैकिंग, व्हाइट हैट हैकिंग और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी हैकिंग होती है जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो गया, एथिकल हैकिंग। गाइस देखिए, एथिकल हैकिंग नाम से भी आपको लग रहा हो एथिक्स, ठीक है, एथिक्स की बात की जाती है तो इससे थोड़ा सा आपको खुद ही एक पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो इसी को देख के आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, कई सारे लोग यहाँ पे व्हाइट हैट हैकिंग को भी मार करके आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, एथिकल हैकिंग। ठीक है, अब एथिकल हैकिंग में क्या होता है, यहाँ पे एथिक्स को देखा जाता है। एथिकल हैकिंग जो होती है वो जैसे जो आपने देखा होगा जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में लिया जाता है, यानी इसके थ्रू आपको एक एक प्राइवेट नहीं एक आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है अगर आपने एथिकल हैकिंग की होती है। इसके लिए आपको कई सारे वर्कशॉप होते हैं, मैंने भी अटेंड किया है। ठीक है, कई सारे आप वर्कशॉप कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, इसके थ्रू आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। ठीक है गाइस, सेशन अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट क्लास को अपलोड करने के लिए हम लोग आपकी तरह से हम लोग भी बहुत जल्दी में रहते हैं, तो गाइस जल्दी से हमें अपलोड करने के लिए लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी फर्स्ट रुपए एटीएम एंड माइक्रो एटीएम कार्ड With आधार नंबर was launched by which bank? Options are Bank of India,
ICICI बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द टाइम विल बी स्टार्ट नाउ। गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे डी ऑप्शन में इफ हो गया है, तो उसको थोड़ा सा कभी कभी लिखने में हमें भी थोड़ा सा हो जाता है, उसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आधार नंबर के साथ पहला रूपी एटीएम और माइक्रो एटीएम किस बैंक के थ्रू लॉन्च किया गया था, तो वो बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, एक सामान्य सीडी रॉम आमतौर पर कितना डेटा स्टोर कर सकती है, हाउ मच डेटा कैन अ टिपिकल सीडी रॉम यूजली स्टोर। ऑप्शन आर 680 बाइट्स, 680 जीबी, 680 केबी और 680 एमबी। Your time will be starts now. Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ क्या, 680 मेगाबाइट। ठीक है, सीडी रॉम क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रॉम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा कि कितना बेसिकली आपका टिपिकली आपका कितना ये स्टोर कर सकती है डेटा, तो क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्या, 680 एमबी यानी मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रोजन हॉर्स क्या है, व्हाट इज अ ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन आर एक तरह का एंटीवायरस, एक तरह की साइबर सिक्योरिटी, एक तरह का वायरस और नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ क्या, वायरस। हाँ जी, ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक तरह का वायरस है, ये कोई एंटीवायरस साइबर सिक्योरिटी नहीं है, ये एक तरह का वायरस है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है, हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स हिज ओन कॉपी बाय रिफ्लेक्टिंग हिमसेल्फ। ऑप्शन आर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और बॉट्स। टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज वॉर्म्स। वॉर्म्स जो होता है क्या करता है, खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है। अब आप ये सोचो इतनी जल्दी वो काम करता है कि अब पूरे आपके सिस्टम को वो तुरंत एकदम खुद को रिफ्लेक्ट करते 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 अपनी जैसा कॉपी बना लेता है, इससे क्या होता है आपके सिस्टम को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत कि आपके सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। क्या होता है ये, वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12, टेलीग्राम को किसने डेवलप किया है, हु वॉज डेवलप टेलीग्राम। ऑप्शंस आर केविन एस्थन, केविन सिस्ट्रोम, पेवल रो और रेड हॉफमैन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, पेवल रो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ट्विटर ट्रेडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, व्हाट इज ट्विटर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शंस आर हैश, एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट और एस। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस मुझे तो लगता है कि ये आंसर तो सबको पता होगा कि सिर्फ ट्विटर नहीं, लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, हर जगह हैशटैग लगाते हैं। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम होगा, हर जगह हैशटैग करके वो ट्रेंड करने के लिए इस हैश का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका हैशटैग ट्विटर ट्रेडिंग के लिए। आप जैसे आपने अगर ट्विटर नहीं यूज किया तो एक बार ओपन करके देखिए, वहां पे जो भी पोस्ट करता है उससे पहले हैशटैग करके जिसको भी आप उसको रिलेट करना चाहते हो तो वहां पे उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, PMSBY का पूरा नाम क्या होगा, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ PMSBY। ऑप्शन आर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, बोथ और नन। ठीक है, तो गाइस यहां आपका टाइम स्टार्ट होता है। गाइस यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो क्या, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आप देखोगे तो भाई ये भी प्राइम मिनिस्टर, बट इसका फुल फॉर्म देखो, यहाँ पे जब सुरक्षा बीमा योजना है तो स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो क्या, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्रिप्टो करेंसी कहाँ पे स्टोर की जाती है? वेयर आर द क्रिप्टो करेंसी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर बैंक, पेटीएम वॉलेट, डिजिटल वॉलेट और न। योर टाइम विल बी स्टार्ट नाउ। गाइस देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो आपके डिजिटल वॉलेट में कन्वर्ट होती है, आप उसको किसी भी फिजिकल वॉलेट में या तो बैंक में या तो पेटीएम वॉलेट में कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, आप डिजिटल वॉलेट से कहीं और ट्रांसफर कर सकते हो, बट वो कलेक्ट कहाँ पे होती है, स्टोर कहाँ होती है? डिजिटल वॉलेट में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल पेस्ट स्पेशल करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज टू डू पेस्ट स्पेशल? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर और नाइन। टाइम विल बी स्टार्ट नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल वी, यानी कैप्स वाला जो वी होता है उसको किसके लिए यूज किया जाता है? पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, डिलीट की गई मेल ईमेल कहाँ पे स्टोर होती है? वेयर आर डिलीटेड ईमेल स्टोर्ड? ऑप्शंस आर इनबॉक्स, स्पैम, आउटबॉक्स और ट्रैश। योर टाइम विल बी स्टार्ट नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्या? ट्रैश। वैसे किसी भी मेल को अगर आप डिलीट करते हो वो ट्रैश में जाता है। ठीक है, बट वो ट्रैश के बाद एक टाइम पीरियड होता है, वहां से खुद को डिलीट हो जाता है। जैसे अगर आप फोटोज में से फोटोज को भी डिलीट करोगे तो वो ट्रैश में जाएगा, एक टाइम पीरियड के बाद वो डिलीट हो जाता है। गाइस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लिनक्स किसके द्वारा बनाया गया है? लिनक्स वॉज क्रिएटेड बाई होम? ऑप्शन आर बिल गेट्स, जेफ बेजोस, लिनियस टॉरवाल्ड और नन। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। गाइस नाम से ही थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही हुआ क्या? लिनक्स, लिनियस टॉरवाल्ड जो थे उन्होंने अपने नाम पे ही इसको बनाया था क्या? लिनक्स। ठीक है, लिनियस टॉरवाल्ड से क्या बना? लिनक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ पैन कार्ड? ऑप्शंस आर 18, 10, 20 और 21। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ क्या? 10 डिजिट। कितने डिजिट्स होते हैं? 10, जो कि अल्फान्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, IMEI की मदद से मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है? मोबाइल कैन बी ट्रैक विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर? ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स, सो बताइए। योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी ए सही होगा क्या? ट्रू। ठीक है, मोबाइल को आप IMEI नंबर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 21, अगर किसी फोल्डर को हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसके सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। इफ यू कॉपी अ फोल्डर टू द हार्ड डिस्क देन ऑल इट्स सब फोल्डर्स आर ऑल्सो कॉपीड, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे बिल्कुल, अगर आप कोई फोल्डर कॉपी करोगे तो उसके अंदर जो भी कई सारे फोल्डर हैं वो पूरा का पूरा मतलब सब कुछ कॉपी हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गाइस पूरे क्वेश्चंस को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, जगह कॉमेंट करिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो। अगर आपको लगता हो कि इस सेशन को और अच्छा बनाया जा सकता है तो उसके लिए भी अपने सुझाव यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अपने फ्रेंड्स वगैरह में इसको शेयर जरूर करें कि जिससे और भी आपको स्टूडेंट इस सेशन का फायदा उठा सके। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सेशन का PDF भी आपको वहां मिल जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड लाइव अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। गाइस सेशन पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।